वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज 21 अक्टूबर 2017 है और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक ओवरव्यू लेंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पर जो कॉर्नर में आर्टिकल है, ये दार्जिलिंग के क्राइसिस से रिलेटेड है। इसको डिटेल में बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के जरिए बताया जा रहा है कि केन्या में फिर से इलेक्शन करवाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। थोड़ी सी बात देखेंगे मैपिंग के साथ। ये सेंटर का जो आर्टिकल है, ये ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल है, ये रिवर लिंकिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल कहता है कि रिवर लिंकिंग करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण काम किए जाने की आवश्यकता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज सैटरडे है और यहाँ पर ग्राउंड जीरो है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के लायक। इसके अलावा हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग के लिए जो हम एक कोटेशन देखते हैं, वो आज क्या है। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है एनवायरमेंट, या फिर आप पोल्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए, ये वैसे किसी का लिखा हुआ कोटेशन नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है, अच्छा सा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसेज में एज वेल एज अपने आंसर्स में। अ पर्सन इज ईदर द इफेक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट और इज एबल टू हैव एन इफेक्ट अपॉन हिज एनवायरमेंट। एक व्यक्ति या तो अपने पर्यावरण का प्रभाव झेलता है या फिर वो अपने पर्यावरण पे प्रभाव डाल सकता है। तो आप कौन बनना चाहेंगे, वो जो पर्यावरण के प्रभाव को झेलता है या फिर वो जो अपने पर्यावरण पे प्रभाव डाल सकता है। अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसे कोट करिएगा निबंध लिखते समय। एक फैक्ट है, अभी रिसेंट की एक स्टडी है ये, द लैंसेट कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। लैंसेट कमीशन, देखिए, ये एक जर्नल है। इन्होंने 2 साल एक रिसर्च करी, उसके बाद इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। लैंसेट वैसे एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के नाम पर इस मैगज़ीन का नाम रखा गया है। ये मैगज़ीन या जर्नल कह सकते हैं 1888 में शुरू हो गया था, 1888 में ही शुरू हो गया था। एक डॉक्टर थे, उन्होंने शुरू किया था इस जर्नल को। तो मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। अभी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, वो इंडिया के लिए चिंताजनक है। इंडिया में 2015 में पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सर्वाधिक है, दैट इज़ 2.51 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख, और चाइना इस रैंकिंग में सेकेंड नंबर पर है। तो ये रिसेंट की स्टडी है, अभी 2-3 दिन पहले ये हिंदू में आया था, तो इम्पॉर्टेंट है। आप कोट कर सकते हैं एसेज एज वेल एज एंसर्स में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, दार्जिलिंग डेडलॉक। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ेंगे, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए, आप काफ़ी इग्नोर करते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये मैंने जो बताया है कि ये पेपर 2 में कहाँ से जुड़ता है या पेपर 1 में कहाँ से जुड़ता है, तो मैं ऐसे ही एवें ही बता देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपकी तैयारी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे होंगे। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जब वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ते वक्त सिलेबस से जोड़ते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप इसे हल्के में ना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इस पर ध्यान भी दें। अभी देखिए, बात यह है कि यूनियन मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तीनों को एक साथ मिलकर बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। 104 दिनों का जो ब्लॉकेट था वो ख़त्म हुआ कुछ दिन पहले, लेकिन उसका अभी जो रियल इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिला है। हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड। मैं ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुका हूं और ये मैं 3री बार डिस्कस कर रहा हूं, या हो सकता है उससे ज़्यादा बार। तो अगर चीज़ें आपको उसके बाद भी नहीं याद रहती हैं तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होगा। आप कोशिश करें कि आपको चीज़ें याद हों। देखिए, वैसे तो जो गोरखालैंड का रीजन है, मैप में पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है सिक्किम का रीजन और इसके जस्ट नीचे ये जो एरिया है, ये वेस्ट बंगाल का जो ग्रीन कलर में है, यही एरिया है दार्जिलिंग का, जहाँ पर गोरखालैंड बनाने की मांग चल रही है। होता ये था कि पहले जो ये एरिया था, ये नेपाल का हुआ करता था, और इस वजह से यहाँ पर रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो नेपाली ओरिजिन के हैं। वो बंगाली लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं, वो नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। 1814 से 16 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिश जीते, जिनका उस समय इंडिया पर कब्जा था, और दार्जिलिंग के इस एरिया को इंडिया के वेस्ट बंगाल से जोड़ दिया गया। 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, उसी के अंतर्गत सिक्किम का जो एरिया था दार्जिलिंग वाला, वो वेस्ट बंगाल का पार्ट बन गया। इसे हमने नेपाल से ले लिया। हमने क्या ले लिया, ब्रिटिशर्स ने लिया और हमें दिया। 1907 में हिलमैन एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग जो थी, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ, या यूं कह सकते हैं, एक मेमोरेंडम सबमिट किया मॉले मिंटो रिफॉर्म को। आपको याद होगा 1907 में मॉले मिंटो रिफॉर्म आया था, 1909 में इसका एक एक्ट भी बना दिया गया था। तो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री से टॉपिक हमें मिलते नहीं है। 1909 के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 के क्वेश्चन में तो साफ साफ पूछा गया था मॉले मिंटो रिफॉर्म इज़ क्या है, ये मॉले मिंटो रिफॉर्म, तो आपको बताना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1917 में हिलमैन्स एसोसिएशन जो दार्जिलिंग थी, उन्होंने
बंगाल के वायसराय को भी एक ऐसा मेमोरेंडम सौंपा था जिसमें उन्होंने दार्जिलिंग के इस एरिया को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की मांग रखी थी। 1947 में जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उन्होंने गोरखास्तान बनाने की मांग की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, तब ये डिवाइडेड नहीं थे। 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग के जो प्रेसिडेंट थे NB गुरुंग, उन्होंने नेहरू के सामने डिमांड रखी थी कि गोरखा लैंड को बंगाल से अलग कर दिया जाए और एक सेपरेट यूनिट बना दी जाए। तो ये हिस्टोरिकल बातें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। 1980 में प्रांत परिषद ऑफ दार्जिलिंग जो थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे इंद्र बहादुर राय, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिख के इस बात की मांग की थी कि गोरखा लैंड का एक अलग एरिया होना चाहिए। 1980 में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट इमर्ज होता है और 1986 में जो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, इन्होंने बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, मारकाट हुई बहुत ज़्यादा। इसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट के बीच में और GNLF के बीच में। 1992 में इसी के चलते, इन्हीं सारे प्रोटेस्ट के चलते, जो नेपाली लैंग्वेज है उसे हमारे 8th शेड्यूल में जगह दे दी गई। 2007 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इमर्ज हुआ, जिसके लीडर थे बिमल गुरुंग, जो अभी बहुत लाइमलाइट में है, उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं। 2012 में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया ताकि उस एरिया को ऑटोनॉमी दी जा सके। और करंट में जो एजिटेशन शुरू हुआ है, इसका ओरिजिन है क्योंकि ममता बनर्जी जी ने पूरे वेस्ट बंगाल में 10th क्लास तक बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी बना दिया था, जिससे उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो थ्रेट में आ गई थी, और इसके विरोध में उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिए थे। तो अभी जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रोल काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है एट प्रेजेंट। देखिए, 104 दिनों तक ये लगातार शटडाउन चला, बंद चला पूरे दार्जिलिंग के रीजन में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की विमल गुरुंग से कि वो इस पूरे प्रोटेस्ट को बंद कर दें और उनसे बातचीत करें, गवर्नमेंट से बातचीत करें। राजनाथ सिंह की इस बात को मानते हुए विमल गुरुंग ने, जो कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को लीड कर रहे थे, उन्होंने उस एरिया में जो प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पीस फिर भी नहीं बन पाई। कारण क्या था? कारण ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अश्योर किया था उनसे कि बातचीत होगी, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, यानी ममता बनर्जी जी ने पहले इंडिकेशन दे दिया था कि वो बातचीत नहीं करेंगी, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होना शुरू हो गया कि आखिर नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइन करेगा कौन। दिक्कत काफ़ी हो गई है। बात करते हैं दिक्कत अभी क्या है। देखिए, 15 अक्टूबर को सेंटर ने ये कहा, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जो ममता बनर्जी जी के स्टेप्स थे इस इशू को लेकर, वो कंसीलिएट करने को तैयार नहीं है, मतलब बातचीत करने को तैयार नहीं है विमल गुरुंग जी से। तो इसी चीज़ का जवाब देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 CRPF की बटालियंस वहाँ पे पोस्टेड थी, वहाँ पर काम कर रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम 10 को वापस बुला लेंगे। ममता बनर्जी जी ने इस बात की प्ली दी कलकत्ता हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि लॉर्ड एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है और इस समय CRPF की फोर्सेस को वापस नहीं भेजा जा सकता, और अंत में उन्हें स्टेप मिल गया। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गोरखालैंड के इशू को लेकर। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जो टेंशंस हैं ग्राउंड लेवल पे, वो अभी भी बनी हुई हैं। जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के चीफ हैं विमल गुरुंग, वो अभी भागे हुए हैं। कारण क्या है उनके भागने का? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने बंद को ख़त्म कर दिया, एजिटेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने धोखा किया। स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कई तरीके के जो केसेस थे वो लॉन्च कर दिए। उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ केस लॉन्च किया कि उन्होंने वायलेंस फैलाया है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन को ख़राब किया है, और उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, उनको एक ऑफेंडर घोषित कर दिया गया। और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक रेबल लीडर हैं जो कि विमल गुरुंग जी को सपोर्ट नहीं करते थे, बिनॉय तमांग, उनको GTA का चीफ बना दिया गया। और ममता बनर्जी जी लगातार GTA को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी मीटिंग पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। GTA देखिए एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको 2012 में बनाया गया था ताकि जो एरिया है गोरखालैंड का उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन अभी भी बहुत ख़राब है। टी और टूरिज़्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोनों काफ़ी लॉस सफ़र कर रही हैं। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि और ख़राब करने के लिए। उनको बात करनी चाहिए विमल गुरुंग से, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरी सिचुएशन को लीड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और GGM अगर एक साथ काम करते हैं तो सिचुएशन का समाधान निकाला जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो उदासीन रवैया है, इस समस्या के समाधान में सिर्फ बाधा डालेगा और कुछ भी नहीं, ऐसा इस कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है, अनरेवलिंग ऑफ द ईरान डील, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा कौन सा टॉपिक कहाँ जुड़ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने लिए बहुत नुकसान कर रहे हैं। बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, बहुत टारगेटेड स्टडी होती है अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हैं तो। ज़्यादातर लोग सिलेबस को इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को, वो 2-3 साल से स्टडी कर रहे हैं, स्टिल नॉट क्लियर कि आखिर उनके सिलेबस में है क्या। ये आपकी तैयारी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर कर लें। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जी इस
पूरे एग्रीमेंट से पीछे जाते हैं तो वो अमेरिका की पावर को डैमिनिश करेंगे, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। बात करते हैं आर्टिकल में क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, ईरान जो है, जिस तरीके से आज नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की होड़ में लगा हुआ है, एक समय ईरान भी ऐसा एम्बिशन रखता था और इस चीज़ में लगातार कोशिश में लगे हुए थे तीन देश, जर्मनी, फ्रांस और यूके, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। 2005 में ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई, P5+1 फॉर्मेट इमर्ज होकर हमारे सामने आया। P5 में कौन कौन सी कंट्रीज थी? वो कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट डिजर्व करती हैं, या फिर वो वहाँ पर डिजर्व क्या करती हैं यार, हैं, परमानेंट सीट है तो है, डिजर्व करने को तो और भी कंट्रीज करती हैं, इंडिया भी करता है, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो पांच जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? यूके है, यूएस है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, और एक प्लस वन। प्लस वन में किसको रखा जा रहा है? जर्मनी और ईयू को प्लस वन में रखा जा रहा है। तो इन छह फैक्टर्स ने मिलाकर एक फॉर्मेट तैयार किया और एक ट्रीटी साइन की गई ईरान के साथ, ठीक है। और ये जो JCPOA साइन किया गया 2015 में, JCPOA का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान न्यूक्लियर डील को आप JCPOA भी कह सकते हैं। तो JCPOA साइन किया जाता है 2015 में, और JCPOA साइन होने के तुरंत बाद जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया गया। सैंक्शंस को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 2231 पास किया गया, और इसे सभी लोगों ने अनएनिमसली पास कर दिया। उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इस पूरे सिचुएशन को लीड कर रहा था, लेकिन देखिए, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी जो सीनेट में मेजोरिटी थी वो उस समय नहीं थी, तो सीनेट इस चीज़ को रेटिफाई करने को तैयार नहीं हुआ। वो एक शर्त पर इस चीज़ को रेटिफाई करने को तैयार हुए कि प्रेसिडेंट हर 3 महीने के बाद इस डील को रेटिफाई करेंगे और इसको क्लियर करेंगे कि हाँ, ये डील बहुत अच्छे से काम कर रही है। साथ ही वो इस बात को भी सर्टिफाई करेंगे कि जो ईरान का रवैया है टेररिज्म, ह्यूमन राइट वायलेशन और बैलिस्टिक मिसाइल एक्टिविटीज़ पर, वो पॉजिटिव है और निगेटिव नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लीगली इम्पोज करने के लिए एक एक्ट साइन किया गया, दैट वॉज इनारा, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट रिव्यू एक्ट। इनारा साइन किया गया 2015 में, जिससे ऑब्लिगेशन आया प्रेसिडेंट के ऊपर वो कि वो हर 3 महीने पे इस एक्ट को, या जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको सर्टिफाई करेंगे। इस बार इस डील को सर्टिफाई करना था 15 अक्टूबर को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने इस डील को सर्टिफाई करने से मना कर दिया। एक बात अभी भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने इस JCPOA को रेटिफाई करने से मना तो कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि जो ईरान है वो इसको वायलेट कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर डील को वायलेट कर रहा है। कारण क्या था? कारण ये था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो रिव्यू करती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, उनके जो डायरेक्टर जनरल थे युकिया अमानो, उन्होंने पब्लिकली इस बात को कह दिया कि ईरान कंप्लीटली कंप्लायंस रखता है JCPOA से, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील से। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर डील के विरोध में काम कर रहा है, और उन्होंने इसीलिए फर्दर सैंक्शंस भी इम्पोज नहीं किए। उन्होंने अभी क्या मुद्दा रखा है? उन्होंने मुद्दा रखा ये है कि ईरान लगातार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है। मिस्टर ट्रंप ने इस बात की जिम्मेदारी, इस बात का एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लिया कि वो सैक्शन इम्पोज कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी यूएस के कांग्रेस पर डाल दी। उन्होंने मुद्दा कांग्रेस को भेज दिया है कि वो इस बात को रिव्यू करें, 2 महीने का समय भी दिया है कि आप बताइए कि ईरान पर सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए कि नहीं लगाए जाने चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस के जरिए इसमें सैंक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं जो ईरान पर सैंक्शंस लगाने के समर्थन में नहीं है, जैसे कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रेक्स टिलरसन, डिफेंस सेक्रेटरी हैं जेम्स मैथी, और चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ हैं जो जनरल जोसेफ डनफोर्ड हैं। उन लोगों ने पब्लिकली इस बात को कहा है कि वो डील से वापस जाने पर सहमति नहीं रखते हैं। इसके अलावा देखिए, यूएस काफ़ी आइसोलेट हो जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं। 2 तरीके के सैंक्शन इम्पोज किए जाते हैं यूएसए के द्वारा। एक प्राइमरी सैंक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन होता है। प्राइमरी सैंक्शन क्या होता है? प्राइमरी सैंक्शन वो सैंक्शन होता है जिसमें यूएसए कहता है यूएसए की कोई भी कंपनी उस देश के साथ काम नहीं करेगी, साथ ही ऐसी दुनिया की अदर कंपनीज यूएसए की कंपनीज के साथ काम करती हैं वो भी उस देश के साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे। ये प्राइमरी सैंक्शन होता है। सेकेंडरी सैंक्शन वो सैंक्शन होता है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी कंपनी उस देश के साथ काम नहीं करेंगे। तो अभी यूएसए प्राइमरी सैंक्शंस तो इम्पोज कर रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी सैंक्शंस में अभी नहीं गए हैं। अगर वो सेकेंडरी सैंक्शंस इम्पोज करते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेंगे, क्योंकि JCPOA से रिलेटेड जो UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास किया गया था, उसमें सेकेंडरी सैंक्शंस इम्पोज करने पर मनाही रखी गई थी। तो देखिए, अगर फर्दर JCPOA पे यूएसए कोई बात करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि रसिया और चाइना उस पर वीटो कर दें। बड़ी मुश्किल से रसिया और चाइना इस ट्रीटी का पार्ट बने थे और उन्होंने इसे सपोर्ट किया था। इनारा को अमेंड करने में भी यूएसए को दिक्कत आएगी, क्योंकि 60 वोट की जरूरत होगी सीनेट में इनारा को फिर से अमेंड करने के लिए, जबकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं
उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में, वो केवल 52 सीट्स का है, मतलब उनके पास 8 सीट्स की कमी है। इवन उनके खुद के रिपब्लिकन पार्टी के कई सारे मेंबर्स होंगे जो इस डील को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। ईरान भी हो सकता है कि फर्दर इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने को तैयार ना हो, और अदर स्टेक होल्डर्स जो बाकी के 5 मेंबर्स हैं वो भी यूएन के सैंक्शंस को, यूएस के सैंक्शंस को फॉलो ना करें, तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं यूएसए के सामने। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि इम्प्लीकेशंस कई सारे खराब हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, ईरान जो है वो यूएसए के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, अफगानिस्तान में, इराक में और सीरिया में। अगर अफगानिस्तान में ईरान यूएसए के लिए मुश्किलें खड़ी करता है तो ये इंडिया के लिए भी सही बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के भी कई सारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। यूएस की जो एबिलिटी है रशिया के साथ जुड़े रहने की सीरिया के मुद्दे पर, वो भी अफेक्ट होगी। एक तरफ तो आप रशिया से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो सीरिया के मुद्दे पर आपका साथ दे, वो चाइना से उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर वो आपका साथ दे, लेकिन आप उनका समर्थन या उनकी जो शर्तें हैं वो ईरान के मुद्दे पर मानने को तैयार नहीं है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये बात सभी को पता है। अगर अंकल सैम का ये रवैया रहा तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में उनको दिक्कतें होंगी, ये बिल्कुल तय है। इसके अलावा ईरान ये भी कह सकता है कि वो जेसीपीओए से क्यों कंप्लाई करें, जब अदर स्टेक होल्डर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ईरान फर्दर पीछे हट जाए और वो न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगे। इससे जो न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्थ कोरिया की तरह एक नया थ्रेट इमर्ज हो जाएगा। आने वाले समय में देखिए, जो रवैया रहा है मिस्टर ट्रंप का वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, मनमाना रवैया आप उसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने आप को TPP से बाहर किया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की ट्रीटी से उन्होंने खुद को बाहर कर लिया, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एकॉर्ड से खुद को पीछे किया, साथ ही उन्होंने नाफ्टा से भी वो बाहर हो गए, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके बाद अगर वो ईरान न्यूक्लियर डील से भी पीछे हटते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इरोड करेगा, कि यूएसए किसी भी डील को साइन करता है और बाद में पीछे हट जाता है, तो जो उनकी ग्लोबल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट था वो डैमिनिश होगा, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी खराब होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ यूएस रिट्रीट फ्रॉम जेसीपीओए ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईरान न्यूक्लियर डील फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर यूएस। आपको 200 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए, केन्या में इलेक्शंस हुए थे, केन्या की लोकेशन देखिए, ये केन्या है हरे रंग में जो आप मैप में देख रहे हैं, इसके बगल में नेबरिंग कंट्री है सोमालिया, इथियोपिया, युगांडा, तंजानिया। ये देखिए, ये विक्टोरिया लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर युगांडा और रवांडा भी हैं। ये जायरे है, जाम्बिया, अंगोला, नाबीबिया, बोस्तवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर दो देश हैं, एक है लेसाथो और दूसरा है स्वाजीलैंड, यहाँ पर मेडागास्कर है, तो ये याद रखिएगा। ये थोड़ा लोकेशन देख लीजिए, केन्या को और नज़दीक से देखना चाहते हैं तो ये कंट्रीज हैं, ये लेक विक्टोरिया, युगांडा, इथियोपिया, सोमालिया और तंजानिया, ठीक है। तो लोकेशन हमने देख ली, ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने देख ली। देखिए, अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो केन्याटा थे उनकी जीत हुई थी 54.4% वोट्स के साथ, जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, और जो ओडिंगा थे उनकी हार हो गई थी। ओडिंगा ने आरोप लगाया कि केन्याटा ने बहुत वायलेशंस किए हैं रूल्स के और ये जो इलेक्शन था ये फेयर नहीं था। इसी के चलते जो 8 अगस्त का इलेक्शन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, और अभी फर्दर इलेक्शंस किए जाने की संभावना है, जबकि वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें, इस वजह से उन्होंने 3 हफ्ते की छुट्टी ले ली है, और इसके साथ ही साथ वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतें नैरोबी के इलेक्शन को लेकर अभी जुड़ी हुई हैं, केन्या के इलेक्शन को लेकर अभी जुड़ी हुई हैं। और फर्दर आर्टिकल्स आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत काम का बात ये हमारे लिए नहीं है। अगला आर्टिकल, अ फ्लड ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं, कंटेक्स्ट यही है। आर्टिकल का कहना है कि जो एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का कई सारी रिवर्स को जोड़ने का, उसके पहले कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि 60 बड़ी नदियों को इंडिया में जोड़ा जाए, $87 बिलियन का ये प्लान है, जिसमें गंगा भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, कई सारे एक्सपेक्टेशन लगाई गई हैं इस प्लान से, जैसे कि फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होगी और जो उनकी डिपेंडेंसी है मानसून के ऊपर वो कम हो जाएगी, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जो कल्टिवेटेड लैंड है वो इरीगेशन के एरिया में आ जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने मदद मिलेगी। देखिए, जो रिवर लिंकिंग का प्लान है ये प्रेजेंट की गवर्नमेंट का नहीं है, इस प्लान को सबसे पहले प्रपोज किया था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बट ये प्लान बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका था और ये फेल हो गया था। कई सारे इश्यूज अभी भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारा पैसा, हमने बात की 87 बिलियन पैसा इस पर खर्च किया जाने वाला है, तो इनका कहना है कि इतना सारा पैसा खर्च करने के पहले कुछ काम को बेहतर तरीके से जांच लेना चाहिए। वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल के अंतर्गत,
प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको कंकरेंट लिस्ट में लाया जा सके ताकि कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके, लेकिन ये इजी टास्क नहीं होगा क्योंकि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो इसे कंकरेंट लिस्ट में लाने की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि ज़्यादातर जो अपर रिपेरियन स्टेट्स हैं वो डाउन रिपेरियन स्टेट्स को पानी नहीं देंगे। अपर रिपेरियन स्टेट्स का मतलब ये होता है जिस स्टेट से नदी निकलती है उसे अपर रिपेरियन स्टेट बोला जाता है और जिस स्टेट को नदी जाती है उसे डाउन रिपेरियन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, गवर्नमेंट का प्लान है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप से कई सारी क्रॉप उगाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग किया जा सके, सदुपयोग किया जा सके। लेकिन हमें एक और पर्सपेक्टिव देखने की आवश्यकता है, हमें वर्चुअल वाटर फ्लो के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। एक रीसेंट में स्टडी आई है, वर्चुअल वाटर फ्लो क्या होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे आर्टिकल्स में, लेकिन ज़्यादातर लोग इन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। वर्चुअल वाटर फ्लो है क्या? देखिए रीसेंट में स्टडी आई कि वर्चुअल वाटर फ्लो जो है वो नॉर्थ जोन में बहुत कम है जबकि साउथ और वेस्टर्न जोन में काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्चुअल वाटर फ्लो होता क्या है। एक तो वाटर फ्लो होता है जो नदियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, एक वर्चुअल वाटर फ्लो होता है जो नदियों से पानी नहीं जाता, ग्रेन्स के जरिए पानी जाता है। जैसे सपोज करिए कि यूपी जो है वो कर्नाटका को खीरा एक्सपोर्ट कर रहा है, खीरा आप जानते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, आप मिल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अदर ऐसे मिलेट्स या फिर ग्रेन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके साथ पानी चला जाता है। ठीक है, दूध में 70% पानी होता है, अगर आप उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो वाटर का फ्लो उत्तर प्रदेश से कर्नाटका की ओर हो रहा है इसे आप वर्चुअल वाटर फ्लो बोलेंगे। वाटर डायरेक्टली फ्लो नहीं हो रहा है, फूड ग्रेन्स के जरिए या फिर फूड प्रोडक्ट्स के जरिए फ्लो हो रहा है। तो देखिए जो नदर्न स्टेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वर्चुअल वाटर फ्लो देते हैं वेस्टर्न स्टेट्स को और सदर्न स्टेट्स को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वर्चुअल वाटर अवेलेबल है, लेकिन नदर्न एरिया में इसकी स्कैर्सिटी है क्योंकि ज़्यादातर उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सदर्न और वेस्टर्न एरिया में चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वाटर फ्लो का, कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि वाटर बहुत ही स्केर्स रिसोर्स होता है तो उसका इस्तेमाल बहुत ही इफिशियंसी के साथ किया जाना चाहिए, और ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला है ऐसे प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के पहले बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं आज की केस स्टडी क्या है। देखिए आज की केस स्टडी में ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड हैं, ये हाल ही में IAS की पोस्ट पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। आप दोनों लोग बचपन से एक साथ पढ़े हैं, आप भी IAS की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है, इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है, आइए देखते हैं। देखिए आपकी जो बेस्ट फ्रेंड हैं या फिर क्लोज फ्रेंड हैं वो हाल ही में IAS की पोस्ट पर सेलेक्ट हुई हैं, आप बचपन से साथ में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक आप लोग साथ में पढ़े हैं, आपने बहुत सारी कोशिश की कि आप भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली और आपके सारे अटेम्प्ट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। यूँ कहा जा सकता है कि आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं। आपके फ्रेंड जो इस समय ट्रेनिंग पर हैं, इनिशियली तो आपके सभी कॉल्स का या मैसेजेस का जवाब दिया करती थी लेकिन अभी उन्होंने आपके कॉल्स को रिसीव करना बंद कर दिया है। वो ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक्टिव रहती हैं लेकिन वो आपका जवाब नहीं देती हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने घर पे विजिट किया लेकिन वो आपके घर पर नहीं आई जबकि पहले वो अक्सर आया करती थी। उनका घर और आपका घर एक ही गली में पड़ता है। आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि जब से उनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में हुआ है वो एरोगेंट हो गई हैं, मतलब कि घमंडी हो गई हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपसे कहा कि ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हों और उन्हें आपसे बात करने का समय ना मिला हो, जबकि आपके कुछ दोस्तों का ये कहना है कि हो सकता है उनको नए दोस्त मिल गए हों जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं और उन्हें अब आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ना हो। आपके फ्रेंड्स आपको एडवाइस देते हैं कि आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, उनसे बात कर देनी बंद कर देनी चाहिए और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये केस स्टडी आपके सामने है। क्वेश्चन दो हैं, पहला तो ये कि आप ऐसी सिचुएशन में जब आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऐसा सजेशन एडवाइस आपको दे रहे हों आप क्या रिएक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। दूसरा सवाल है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपके ईमेल्स या फेसबुक मैसेजेस का रिप्लाई ना करता हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। रीज़न दीजिए, 100 वर्ड्स में जवाब दीजिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। पहला जवाब ये हो सकता है कि देखिए आपका अपने बिहेवियर पे तो पूरा कंट्रोल हो सकता है लेकिन आप किसी दूसरे के बिहेवियर को या उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहा जाता है कि आप तब तक सामने वाले से कोई बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या फिर इंटरवीन नहीं करेंगे उसके बिहेवियर में जब तक कि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना कर दे अपने बिहेवियर के चलते या उसके आधार पर। हर व्यक्ति फ्री है कि वो कैसे बिहेव करना चाहता है। चूंकि आप अनसक्सेसफुल हुए हैं इस एग्ज़ाम में और वो सक्सेसफुल हो गई हैं, वो सेलेक्ट हो गई हैं, ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, वो ऐसा नोशन बना रहे हों कि जो आपकी फ्रेंड सेलेक्ट हुई हैं वो एरोगेंट हो गई हैं, घमंडी हो गई हैं। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये उनकी बायसनेस है। कारण क्या है बायसनेस का? क्योंकि किसी ने भी उनमें से उस लड़की से आपके फ्रेंड से फर्स्ट हैंड डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है।
वो केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपना परसेप्शन फॉर्म कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? आप अपने पेरेंट्स के बारे में ये कह सकते हैं कि चूंकि हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड हैं वो बहुत कम समय के लिए अपने घर पर आई हों, वो बहुत ज़्यादा बिजी रही हों अपने किसी काम में, और इस वजह से उन्हें ऐसा समय ना मिला हो कि वो आपके घर पर विजिट कर सके। चूंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे मिले नहीं हैं, तो उनका ये कहना कि वो एरोगेंट हो गई हैं, ये केवल एक प्रिजुडाइज कहा जा सकता है, उसे रियलिस्टिक नोशन नहीं कहा जा सकता। जब तक कि आप खुद पर्सनली उनसे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आप प्री कंसीव जजमेंट उनके बारे में नहीं बनाएंगे या उनके बिहेवियर के बारे में नहीं बनाएंगे। अपने फ्रेंड से आप ये जवाब दे सकते हैं कि उनका ये कहना तो सही है कि हो सकता है कि अपने ट्रेनिंग में बिजी हों और ट्रैवल में बिजी हों, इस वजह से उन्हें समय ना मिला हो, लेकिन उनका ये कहना कि आप उन्हें भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं क्योंकि वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं और आपसे संपर्क नहीं रखना चाहती हैं, ये गलत हो सकता है। आप कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले आप कम से कम उनसे दो बार कॉन्टैक्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरे सवाल का जवाब ये होगा कि देखिए, अगर वो आपके ईमेल्स या चैट्स का रिप्लाई नहीं करती हैं तो आप इस बात को बहुत ही काम ले लेंगे, क्योंकि आप भी एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी तैयारी के दौरान, और इस आधार पर आप ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बॉदर नहीं करना चाहिए उसके पर्सनल लेवल पे। और अगर कोई व्यक्ति आपको 2 से 3 बार लगातार अनप्लीजेंट आधार पर रिप्लाई नहीं कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये साफ साफ मैसेज है कि वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहता, या फिर वो अपनी ओल्ड फ्रेंडशिप को फर्दर मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपको फर्दर उनसे कांटेक्ट करने के एफर्ट नहीं करने चाहिए और आपको उनसे कांटेक्ट करना बंद कर देना चाहिए। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो सकता है। रिविजन के सेक्शन में देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने दार्जिलिंग क्राइसिस के बारे में बात की, हमने केन्या के रिलेक्शन के बारे में बात की, हमने ईरान न्यूक्लियर डील को डिस्कस किया, हमने रियल इंटरलिंकिंग को भी एनालाइज किया, साथ ही हमने एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को भी डिस्कस किया। अब आइए डाउट सेशन में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमारे सामने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो रवि का है कि CCTNS क्या है। देखिए, CCTNS जो है ये एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसको देखिए, 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था तो जो उस समय के हमारे मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि ऐसा कोई एक नेटवर्क होना चाहिए जिसपे सभी क्राइम या क्रिमिनल्स का ब्यौरा अवेलेबल होना चाहिए। इसमें 14,000 पुलिस स्टेशन जो है उनका ब्यौरा अवेलेबल होता है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके पूरे देश भर में किसी भी क्राइम का, और एक प्रॉपर डेटा एंड रिकॉर्ड रखा जा सके क्राइम का। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये तो बात हुई CCTNS के बारे में। दूसरा जो सवाल है वो साहिल का है कि जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के ऊपर एक बहुत वाइड हवा की टनल आप कह सकते हैं चल रही होती है। ये मिनेंडरिंग फॉर्म में चल रही होती है, मतलब ऐसे चल रही होती है। ये हमारी अर्थ है तो नदन एरिया में ऐसे चल रही होती है, ठीक है। इसके चलने का कारण यही होता है कि जहाँ पर लो प्रेशर बिल्ट होता है वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट से हवा बड़ी तेजी से चलती है। जेट स्ट्रीम इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जेट्स, फाइटर जेट्स चलते थे, तो इस हवा की वजह से कई बार तो बहुत स्पीड में चलते थे और कई बार वो एक जगह पर रुक जाते थे। 150 किलोमीटर की स्पीड पर अगर ये चल रहे होते थे और 150 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो जेट्स चल रहे हैं तो वो चल ही नहीं पाते थे, तो इस वजह से इनका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया है। ये धरती से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, ठीक है। काफ़ी लार्जर इम्पैक्ट होता है, इस पर हम डिटेल में चर्चा तो अभी नहीं कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काजल का है कि सेबी क्या है, सेबी क्या है, ठीक है। तो देखिए, सेबी के बारे में आपको बता देता हूँ। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटी, जो हमारा एक्सचेंज मार्केट है या फिर शेयर मार्केट है, उसको रेगुलेट करता है। इसको 1988 में बनाया गया था और इसको जो स्टैचुरी स्टेटस है 1992 में सेबी एक्ट के जरिए दिया गया था। इनका काम है कि ये पूरे सिक्योरिटी या एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करें, शेयर मार्केट को रेगुलेट करें, साथ ही कोशिश करें कि जो बिजनेस है वो फेयर हो, उसका कंडक्ट है वो फेयर हो, और जो ब्रोकर्स हैं वो भी फेयरली काम करें, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट भी सिक्योर रहें, ये इनका काम है। अगला जो सवाल है वो ज्योति का है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, ठीक है। सेंसेक्स और निफ्टी, आप इसको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मत लीजिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स जो है वो 50 कंपनीज का ये एक इंडिकेटर है, आप यूं कह लीजिए कि ये एक इंडिकेटर है जो दिखाता है कि जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स की सिचुएशन क्या है। तो जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज का इंडिकेटर है और जो निफ्टी है वो 50 कंपनीज का इंडिकेटर है। निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। तो सेंसेक्स जो है वो ऐसी कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नॉमिनेटेड हैं या रजिस्टर्ड हैं उनके शेयर्स की कंडीशन को शो करता है। देखिए, जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो अपनी कंपनी के शेयर्स को तब तक बेच नहीं सकते जब तक कि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड ना हो, चाहे वो बॉम्बे BSE में रजिस्टर्ड हो या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड हो। तो ऐसी कंपनीज
ऐसी सारी कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उसमें से 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज को ले लिया जाता है, उनके शेयर्स की वैल्यूज को इवेल्युएट कर लिया जाता है और फिर बताया जाता है कि उस कंपनीज के शेयर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, उसे सेंसेक्स कहा जाता है। कंबाइंडली निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें से 50 कंपनीज को चुन लिया जाता है और उनके शेयर्स की जो सिचुएशन बताई जाती है उसे निफ्टी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सामान्य भाषा में। इनके कैलकुलेशन का जो मेथड है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड कहा जाता है। अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मेरे लिए इंसेंटिव क्या है, मेरे लिए इंसेंटिव यही है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, और कोई भी इंसेंटिव नहीं है मेरे लिए इस डिस्कशन को यहाँ पर करने का। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट।